Hello friends, welcome to Food Swing. Please press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon on YouTube app and never miss any update from my channel. Hello friends, आज हमारी जो रेसिपी है वो है स्टार फ्रूट की एक मीठी वाली चटनी. ये उड़ीसा में काफ़ी फेमस है रेसिपी. इसको हिंदी में शायद कामारक ऐसा कुछ बोलते हैं, मैंने भी अभी गूगल किया है. एंड ओडिया में इसको करमंगा खट्टा बोलते हैं. एक्चुअली दिस फ्रूट इज़ वेरी रेयरली फाउंड एंड व्हेन आई सॉ दिस इन मार्केट आई कुड नॉट रेजिस्ट माइसेल्फ टू ब्रिंग इट अप. ये जो रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहीं मिलता ही नहीं है. बट आई समहाउ मैनेज टू गेट दिस, सो थॉट टू शेयर दिस विथ यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसको बनाने के लिए हमें चाहिए स्टार फ्रूट्स. 4 से 5 स्टार फ्रूट्स यहाँ पे लिया है मैंने, और गुड़ 1 कप के अराउंड. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं खजूर वाले गुड़ यूज कर रही हूँ. आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ या फिर चीनी से भी काम चला सकते हैं. 7 से 8 करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 5 फोरन 1 टीस्पून, नमक, हल्दी और रोस्ट किया हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर और तेल अराउंड 1 चम्मच. सबसे पहले स्टार फ्रूट्स को हम ऐसे ही कट कर लेंगे और ध्यान से इसकी जो बीज है बीज में उसको हम निकाल लेंगे. बिल्कुल हम ऐसी शेप में काट लेंगे. साइड में पैन में तेल गरम करेंगे. तेल जैसे गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 5 फोरन और करी पत्ता. इसको ऐसे सॉट करते हुए पकाएंगे. जब ये क्रैकल होने लगे तब इसमें हम डालेंगे स्टार फ्रूट्स. इसको ऐसे सॉट करेंगे. ये हम कम से कम 2 मिनट अराउंड पकाएंगे. तब तक पकाएंगे जब इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए, इसकी जो मॉइस्चर है जैसे थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है. देखिए लगभग 2 मिनट के बाद इसका कलर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा. अब इस टाइम में हम डालेंगे नमक, हल्दी और इसको ऐसे सॉट करते हुए पकाएंगे. बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देंगे. ये पकने में काफ़ी कम टाइम लेता है तो इसको हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है. हम इसमें डाल रहे हैं अभी गुड़. फ्रेंड्स ये टेस्ट में खट्टा होता है. अगर आपके स्टार फ्रूट अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा गुड़ या चीनी का अमाउंट ज़्यादा डालिए. अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा खट्टापन इसमें नहीं है तो आप कम गुड़ से भी हमारा काम चल सकता है. तो गुड़ डालने के बाद हमें ऐसे ही सॉर्ट करते हुए इसको पकाना है जैसे गुड़ इसमें ऐसे मेल्ट हो जाए. अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देना है. कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको ढक के पकाना है. उसके बाद ये बिल्कुल तैयारी है. इसमें हम मिलाएंगे रोस्टेड क्यूमिन एंड रेड चिली पाउडर. ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में आना चाहिए. ये ऑलमोस्ट हमारा डन है. अब हम गैस बंद करेंगे और इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे. ये बहुत ही टेस्टी लगता है. इसको देखते ही अभी से मेरे मुंह पे पानी आने लगा. जो गुड़ वाली सॉस है बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में आनी चाहिए. और फ्रेंड्स इसको आप 2-3 दिन के लिए आराम से बिना फ्रिज के रख के खा सकते हैं. आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए. ये हमारा बन गया करमंगा खट्टा या स्टार फ्रूट स्वीट चटनी. ये बहुत ही आसान था बनाना, जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत ही कम टाइम में ये बन गया. तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो योर रिस्पॉन्स. मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.